के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अगर इस गाने को टूटे दिल के आशिकों का नेशनल एंथम बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ये गाना तो ऑल टाइम हिट है ही, साथ ही इस गाने में जिस लड़की पर ये तमाम लाइंस कही गई हैं, वो भी इस फिल्म के साथ ही ऑल इंडिया फेमस हो गई थी। फिल्म का नाम था शादी में जरूर आना और हीरोइन का नाम था कीर्ति खरबंदा। ऐसा नहीं है कि कीर्ति ने अपने करियर में सिर्फ यही एक फिल्म की थी, लेकिन इस फिल्म से कीर्ति का करियर चल निकला और उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। बाद में कीर्ति ने अक्षय जैसे बड़े एक्टर के साथ भी फिल्में की। अभी कीर्ति इंडस्ट्री की सबसे सुपरहिट हीरोइंस में से एक हैं। अक्षय के साथ हाउसफुल 4 में काम करने वाली कीर्ति शादी में जरूर आना नाम की फिल्म में उस लड़के से शादी करने से मना कर देती है जो उनसे नीचे की पोजीशन पर काम करता है। लेकिन रियल लाइफ में भी फिलहाल कीर्ति की जिंदगी में कुछ ऐसा ही मिला जुला ट्रैक चल रहा है। फिलहाल कीर्ति के इश्क की चर्चा एक ऐसे एक्टर से है जिस पर कामयाब होने के बाद अपनी वाइफ को छोड़ देने का आरोप है। उनका नाम है पुलकित सम्राट। फिलहाल इस लॉकडाउन में कीर्ति खरबंदा और पुलकित सम्राट के इश्क के किस्से खूब चल रहे हैं। लॉकडाउन में दोनों एक दूसरे को काफी मिस कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए अपने सोशल मीडिया पर प्यारी प्यारी पोस्टिंग भी करते रहते हैं। हालांकि इन दोनों की शादी और रिलेशनशिप के बारे में जब भी किसी लाइव चैट में पूछा जाता है तो कीर्ति खरबंदा और पुलकित दोनों ही शर्मा कर मुकर जाते हैं। आपको बता दें कि पुलकित सम्राट की शादी साल 2014 में श्वेता रोहिरा से हुई थी और ये शादी एक साल भी नहीं चल पाई थी। दोनों का 2015 में ही तलाक हो गया। बाद में पुलकित सम्राट का नाम यामी गौतम के साथ भी जुड़ा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कीर्ति खरबंदा के साथ वो काफी सीरियस वाले रिलेशनशिप में हैं।